नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चरित्रहून। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? रश्मि की माँ ने पूछा। दरवाज़ा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए अशोक जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए भगवान के लिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पर क्या हुआ हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बेचैनी हो रही है। रमा की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर पर बुलाया है, बोला जरूरी बात करनी है, मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रमा का सच तो नहीं पता चल गया, फिर हम क्या करेंगे हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी, 32 साल की हो गई है रमा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, और रमा तो पहले से ही शादी के खिलाफ है। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ, कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देंगे, अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दें। तुम चिंता ना करो रमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना, बस रमा की माँ ने कहा। हाँ अशोक जी, जैसे ही लड़के के घर वालों के पहुँचे उनके अंदाज बदले हुए थे। माना के पिता ने कहा, अशोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था। जी हमें रमा का सच पता चल गया और इसी वजह से उसकी पहली भी दो शादियाँ कट गई। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अशोक जी ने स्वीकृति में सिर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सिर्फ इतना बोल पाए रमा दिलदोष और रो पड़े और बोले, हम हमारी इज्जत आपके हाथ में है सिंह साहब, रमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने और मेहमान आने और माना का रमा इंतजार कर रही है। सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं, समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है, हमारी एक शर्त है जो आप पूरी कर देंगे तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली जमीन भी, वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा ही छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी को बेच दे, इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। अशोक जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना ही कहा कि मानो कि ये बात कभी ना पता चलने पाए। अशोक जी आप निश्चिंत रहिए। अब इधर रमा की माँ अशोक जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पलके घर की चौखट पे टिक गई। अशोक जी को आता देख जैसे उसके पास जाने का सोचा तो उसने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रमा ने अपने पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, बात नहीं बनी? बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अशोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि ये अब घर रमा के ससुराल वाले के नाम हो जाएगा। तो रमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, और मुन्ना भी अभी पढ़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर हमारे लिए नहीं है, और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही रमा की माँ रोने लगी, किस बात की सजा मिल रही है हमें, काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर रमा खड़ी बातें सुन रही थी, अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी तभी मानव के पिता ने अशोक जी को बुलाया। अशोक जी जैसे ही उनके पास पहुंचे उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें? तभी पीछे से रमा की आवाज आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। माना के पिता का गुस्सा सातवें आसमान पे था, उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की, इसलिए 2 बार तेरी शादी कट गई, तो उससे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो, वो तो तेरे बाप ने तरस खा के हम तैयार हो गए
थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई 12 साल की उम्र में ही मेरे साथ जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी चाहिए मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मानव को ताकि वो किसी अंधेरे में ना रहे। रिश्ते की बात शुरुआत सच से ही हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बेटे सच जान के उसका फायदा उठाएंगे। और हाँ, आप पुलिस को भी ये बता दीजिएगा कि मानव की पहली पत्नी 2 दिन में क्यों चल बसी दुनिया छोड़ के। अशोक जी रमा की तरफ देखने लगे तो रमा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही मानव को सच बताया था और इन लोगों ने मानव की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ रो वो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और कोई गलत दिख रहा था, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है, वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर से जीत चुकी हूँ माँ। क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरा हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।